तू खा रही है कि नहीं खा रही? नहीं नहीं, डोंट वरी, अब मैं बदल गया हूं ना, अब मैं तुझे नहीं बल्कि खुद को मारूंगा। यूवी, तू पागल हो गया क्या? यूवी चाकू दे। सच सच बता, तू अब खाना खा रही है या खुद को मारू? जल्दी बोल ट्विंकल, जस्ट से इट, ओके? मैं मार दूं। लग गई ना, अभी मर जाता तो फिर क्या होता? अब तो बोल, खाना खाएगी या मैं खुद को दोबारा मारू? खा रही हूं मैं। तू पागल है? अगर लग जाती तो क्या? अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुझे क्या फर्क पड़ता कुछ? तू पागल है? अगर तुझे चोट लगेगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा ओ प्लीज ट्विंकल, अब ये मत बोलियो कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं। यूवी ट्विंकल, देख अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं शायद वो सुनने के लिए तू बिल्कुल रेडी नहीं है, लेकिन मैं एकदम तैयार हूं। क्या मतलब है तेरा यूवी? ट्विंकल, 5 साल पहले हमने आपस में जो रिश्ता जोड़ा था उसमें हमारी बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, वो मेरी तरफ से एक गिल्ट कॉन्शियस पश्चाताप था और तेरी तरफ से सिर्फ एक समझौता, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए। इन 5 सालों हमने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से निभाया था, तूने एक दोस्त समझ के और मैंने प्यार समझ के। यूवी तो आई नो कि हमारा जो रिश्ता है एक झूठ का रिश्ता है, लेकिन मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत सच था ट्विंकल, हर पल हर मोमेंट जो हमने जिया ना साथ में, मैंने तेरे बाबा जी को हर रोज थैंक यू बोला कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे तेरे साथ जीने का एक मौका दिया, एक पल दिया। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुझसे सच में प्यार ना किया। आई नो ट्विंकल, तूने मुझे बहुत नीटली एक फ्रेंड बॉक्स में डाल दिया, लेकिन अब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकता। बहुत मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई है और मैं अपनी फीलिंग्स तुझसे शेयर करना चाहता हूं। मैं पूरे दिल से तुझे वाइफ मानता हूं, तू मेरी बेटर हाफ है, मेरी लाइफ पार्टनर, अपनी बीवी का दर्जा मैं तुझे दे चुका हूं। आई जस्ट होप कि तू अपने दिल में मुझे एक थोड़ी सी जगह, नॉट एज अ फ्रेंड बट एज अ हस्बैंड। यूवी आई एम सॉरी, लेकिन मैं आई नो ट्विंकल, लेकिन मैं तुझे प्रेशराइज नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि जिस रिश्ते को हमारी फैमिली ने पूरे विश्वास के साथ जोड़ा है उसको हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएं, पूरी डेडिकेशन के साथ। और देख ट्विंकल, तू हर चीज में अपने बाबा जी का साइन ढूंढते रहती है ना, तो हो सकता है तेरे बाबा जी एक और साइन भिजवा रहे हैं ऊपर से कि हम लोग कनेक्ट कर सके, हस्बैंड वाइफ की तरह रह सके। ये समझने की कोशिश कर, सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक चांस दे दे मुझे, एंड आई प्रॉमिस आई वोंट ब्रेक योर हार्ट। यूवी आई नो यू विल नेवर लेट मी डाउन, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुझे क्या कहूं। तू आज ऐसे पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है मुझसे? जाने मन वो प्यार ही क्या जिसमें थोड़ा पागलपन ना हो। हुँ?
टॉपिक चेंज, अब तू फटाफट रेडी हो जा, अब बाहर में तेरा वेट कर रहा हूँ, राइट? स्माइल, डोंट क्राई, हाँ? ट्विंकल पता नहीं कब समझेगी तू मेरे प्यार को। वाओ, इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ हमारा, होना भी चाहिए। ट्विंकल ने इतनी इतनी मेहनत जो करी, आई थिंक मुझे ट्विंकल के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन क्या? कार, आई थिंक कार इज द सेफेस्ट बेट। उसे वैसे भी कहीं जाना होता तो हमेशा बोलते रहते कि यूवी यहां ले चल, यूवी वहां पे ले चल। अगर कार पर्सनल कार होगी ना तो इंडिपेंडेंट फील करेगी, जहां जाना होगा खुद ड्राइव करेगी, खुद चले जाएगी, मेरी भी टेंशन दूर। सी कौन सी कार ले सकते? मेरे फ्रेंड ने मुझे डैटसन रेडिगो के बारे में बताया था, जिसने लास्ट मंथ परचेज करी है। कह रहा था काफी सेक्सी कार है। I mean, I have to see it. ऐप डाउनलोड कर लेते। वाओ, टैचन रेडी को, इट लुक्स सो कूल, अमेजिंग, फीचर्स भी अच्छे, दिखते भी स्पोर्टी एंड स्मार्ट है, एकदम ट्विंकल की तरह। इंटीरियर स्पेस भी है, आई थिंक ट्विंकल अपने सारे शॉपिंग बैग्स इसमें अकोमोडेट कर सकती है, बहुत ही आसान। सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे हैं, आई थिंक ट्विंकल के लिए सबसे सेफेस्ट कार यही होने वाली, आई एम प्रीटी श्योर। लुक एट द प्राइस, ओनली 2.39 लाख से शुरू। वाओ, दैट्स द बेस्ट पार्ट। डन, आई एम श्योर ट्विंकल के लिए सबसे बेस्ट कार यही होगी, और इसे देख के ट्विंकल बहुत खुश होने वाली है, और ट्विंकल को देख के मैं। Thank you, Datsun. Look. अरे ट्विंकल, आओ आओ बेटा बैठो। अब तबीयत कैसी है बेटा? रात को ठीक से नींद आई? क्या हुआ अम्मा? आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, पुत्र, मैं युवराज से यही पूछ रही थी कि ये पुलिस स्टेशन दोबारा कब जा रहा है? उन गुंडों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है ना जी? और नहीं तो क्या? हाँ माँ, वो तो है। ऐसे बेबे आइडिया है आपको, कल रात को हमारा कितना नुकसान किया उन गुंडों ने? क्या बताऊं पुत्र, तकरीबन 10-15 लाख। कोई नहीं बेबे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत, बाबा जी ना सब ठीक करेंगे। एक बार रॉकी की शादी का पेमेंट क्लियर हो जाएगा ना तो हम सब रिकवर कर लेंगे। आफ्टर ऑल रॉकी के कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बहुत बड़ा है। अब अकाउंट इतना बड़ा है तो मेहनत भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। अब चले, आज के फंक्शंस की प्रिपरेशंस करनी हमें। फिर से उस बदतमीज बॉक्सर को फेस करने जाना तो पड़ेगा ही यूवी, पर अकेले पूरी वेडिंग का प्रेशर भी तो नहीं डाल सकती ना। वैसे भी वो मुझे लेकर बहुत स्ट्रेस्ड, आई जस्ट होप कि कल रात वहाँ जो कुछ भी हुआ ऐसा कुछ दोबारा ना हो। वैसे कल हमारी एंगेजमेंट है तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले एक प्री एंगेजमेंट डिनर हो जाए। रॉकी को तो सेलिब्रेट करने का बस बहाना चाहेंगे। वो तो है। प्लीज कम इन। या प्लीज। कुंज, क्या करने जा रहे?
ये मिक्सचर अगर तुमने इस पानी में मिला दिया और हमारे गेस्ट ने पानी पी लिया तो जानते हो ना क्या होगा, सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम समझ रहे हो? सब कुछ एकदम परफेक्ट है। Hey, baby doll, buffet table देखना, एकदम सेट है ना? हाँ, एकदम सेट। पक्का? और सुन, अच्छा सुन, lights वगैरह, all seems to be perfect. Yes, everything is perfect. Sure. Good jogging. Great. सुना? हाँ। मैं कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा हूँ। I mean the best maybe. थोड़ा मोटा लग रहा है। काम खाया था। और काम पे कॉन्सेंट्रेट कर गेस्ट आने शुरू हो गए। कब तक अवॉइड करेगी बेबी डॉल? कब तक? आई नो एक ना एक दिन तो बोल ही देगी, मेरा जवाब दे देगी। तब तक हम वेट कर लेंगे भाई, पेशेंस तो बते रहे हम। आई होप यू एंजॉयिंग डिनर। अभी तक गेस्ट को पानी सर्व नहीं किया, जल्दी सारे गेस्ट को पानी सर्व करो और ट्रे में अच्छे से टिश्यू पेपर्स रखो, जल्दी करो। जी मैडम। बेचारी ट्विंकल, उसे जरा सा भी आइडिया नहीं है कि उसके सर पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अच्छा हुआ आप मिल गए, और प्यास लगी थी। हेलो, बहुत दुखरे पेट। क्या हुआ आपको? अरे लोगों को वॉमिटिंग्स क्यों हो रही? ये सबको क्या हो रहा है? सबको उल्टियां क्यों हो रही है? आई थिंक मुझे हॉस्पिटल फोन करना होगा। हेलो, हेलो सिटी हॉस्पिटल। जी मैं ये ड्रीम फार्मलैंड से बोल रही हूँ, आप प्लीज जल्दी यहाँ थोड़ी एम्बुलेंस भेजिए, या गेस्ट को कुछ प्रॉब्लम हो गई, सब वॉमिट करे, सबकी हालत बहुत सीरियस है, जल्दी भेजिए। ओके, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मेरे गेस्ट की तबीयत कैसे खराब हो रही है? ये कैसे घटिया केटरर को बुलाया तुमने? रोकी जी, खाने की वजह से नहीं पानी की वजह से हुआ है, लगता किसी ने पानी में जहर मिला दिया। पानी में जहर? ये कैसे पॉसिबल? व्हाट? अगर मेरे किसी भी गेस्ट को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे तुम्हारी वेडिंग कंपनी को बंद ही क्यों ना करवाना पड़े। वैसे ही तुम दोनों के वजह से इतनी बदनामी हो चुकी है, और अब ये पानी में जहर, दिस इज अनइमेजिनेबल। पानी में जहर? मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कहां से आया। वाह, तुम्हें नहीं पता, ये सारे लोग तुम्हारे हैं ना, ये सारी अरेंजमेंट्स तुमने किए हैं ना, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। पता नहीं किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम दोनों को, अभी तक मेरा एक भी इवेंट ढंग से नहीं किया तुम लोगों ने।
बाबू जी ये सब क्या हो रहा है? यूवी, मुझे यूवी से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन यूवी है कहाँ? युवराज ने भी कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया है। दुख तो इस बात का है कि वो अभी भी जिंदा है। युवी कुछ नहीं होगा। अच्छा मेरी तरफ देख। कुछ। Calm down। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। This is not the right time। Control yourself। देख मेरी तरफ। देख देख एम्बुलेंस आ गई। यूवी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हम अभी डॉक्टर साहब से मिलेंगे, ओके? तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। डॉक्टर साहब, ये मेरे हस्बैंड हैं। इन्होंने भी रिसॉर्ट में वो पानी पी लिया था, तब से इनकी हालत बहुत खराब है। प्लीज इन्हें चेक कीजिए डॉक्टर साहब। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चेक करता हूँ। आप वहाँ बैठिए। जी बाबा जी, प्लीज यूवी को ठीक कर दो। यूवी, यूवी तो ठीक है ना? हाँ, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाओ। पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या देख रहा है? तू बैठ यहाँ पे। अगर मुझे पता होता कि तबीयत खराब होने के इतने सारे पर्क्स हैं, तो मैं हफ्ते में 4 बार बीमार पड़ता। मेरी लाइन मुझे को मार रहा है तू? अब और क्या बोलूं? You inspire me. वैसे एक बात हो, आज जब मैं पार्टी में मेरी तबीयत खराब हुई थी, जिस तरीके का कंसर्न तू दिखा रही थी ना, मेरा बस मन कर रहा था कि बस मर जाऊं। ऐसा लगा कि अगर मैं मर जाऊंगा ना, तो it'll be all worth it. Because जिस तरीके का केयर मैंने देखा ना तेरी आंखों में, एक अलग ही था। क्या सीन था यार, मजाक। शुरू हो गई ना तेरी नौटंकी। इसका मतलब तू बिल्कुल ठीक है। But still, and just for the record, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मुझे बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पता है कितना डर गई थी मैं, कितनी परेशान हो गई थी कि अगर कहीं तुझे कुछ हो गया तो, अगर तूने दोबारा कभी ऐसा ड्रामा किया ना, तो ये कड़वी दवाई खिला दूंगी। Twinkle, come on, यार ये बहुत गंदी दवाई यार। इससे अच्छा तो ये पानी था जहर वाला। बकवास मत कर, फालतू की बातें कर। शक्ल देख अपनी, 6.5-6 फुट की है, लेकिन दवाई के नाम पे तू भी बच्चा बन जाता है। Twinkle, ऐ यार तू भी ना। खाना खाएगा? मैंने घर से मंगाया, ठीक है? ए Twinkle, क्या कर रही है? Twinkle, देख मैं दवा खा चुका, मुझे अब ये वाली दवा नहीं पीनी, कड़वी है यार, मुझे नहीं चाहिए।
Twinkle, no यार, please. पीनी पड़ेगी. Twinkle, ये नहीं. You भी डॉक्टर ने बोला है. Twinkle, please यार, नहीं ये नहीं. ये बहुत अच्छे. एक सेकंड. बहुत कर लिया मैं दवा खाई ना. मत बिहेव कर. मैं दवा खा ली बस. Open your mouth. वाहियात दवा. वाहियात Twinkle, listening to me. ये ले पानी. लोग हॉस्पिटल क्यों आते हैं यार? जोक सपाट हुए. ये जो पानी वाला इंसिडेंट हुआ है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. किसी ने पानी में जान पूछ के पॉइजन मिला है. कोई डेलिब्रेटली हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब करना चाहता और हमें इसका पता लगाना हो, ये बहुत सीरियस केस है.